नमस्कार, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहाँ सबके स्वागत कह रहा छी। आज जे हम लोग कर वीडियो वह अहाँ के मैथिली जे एग्जाम भेल हन, चाहे साइंस हुए, चाहे कॉमर्स हुए, चाहे आर्ट्स हुए, मैथिली के आंसर की वो भी अहाँ के 100% राइट, 100% राइट। ठीक है, इस सेट अछि एफ, अहाँ सबके कोनो सेट हुए अहाँ से वीडियो के पॉज कर रुका कर देखू, काउंटिंग करू कते अहाँ के सही है, यानी कि एक गो वीडियो में पार्ट दू आर नहीं आते, एक वीडियो में अहाँ के 100 से लेकर 100 तक हम बता रहे हैं। अही के लगा अहाँ सब कोनो भी सेट है, अहाँ सब वीडियो के पॉज कर रुक कर देखियो कते सही भेल, और हमरा कमेंट में प्रत्येक बताएं जे अहाँ सबके एग्जाम केना गया, कते सही भेल, से बतेना नहीं भूलम। ठीक छे, वीडियो के शुरू करै छी, यानी 100 से लेकर 100 तक वीडियो में अहाँ सबके बताएं तो अहाँ सब कते कते अहाँ सबके आबै छै नंबर, आ केना अहाँ सब एग्जाम गेल हन, शुरू से तैयारी करेलो हन, कम से कम कमेंट करू जे अहाँ सबके एग्जाम केना गेल। ठीक छे, चलू ई सेट ऐप शुरू कर रहल छी। आंसर की जे है, पहिल क्वेश्चन है अहाँ के बैजनाथ मल्लिक विधु साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला, बैजनाथ मल्लिक विधु के साहित्य अकादमी पुरस्कार कथी भेटले रहे, तो देखियो तो सीता यन पर भेटले इनका, कथी पर, सीता यन पर। क्वेश्चन नंबर दू है, विपन्न शब्द के अर्थ होत है, विपन्न शब्द के अर्थ की होत है, तो एही में से माफ करम अथी बजते ओ बी हेतु वन। क्वेश्चन नंबर तीन है, उषा किरण खान कीर्ति भारतीय विद्या अच्छा उपन्यास है, हम अहाँ सब खाली फटाफट आंसर बतबै छी, अहाँ से मिला लिया, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन नहीं करम अन्यथा वीडियो लंबा भऽ सकत, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम बता रहल छी, बतेम 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चार अछि, उषा किरण खानक जन्म भेलिन तो 1945 में भेलिन, कहिया 1945। क्वेश्चन नंबर पाँच अछि, मंतेश्वर झा कीर्ति अछि तऽ अहाँके एहिमे सँ सब हिनकर कीर्ति छियै। क्वेश्चन नंबर छः अछि, मंतेश्वर झा कीर्ति 1/2 के विद्या अछि तऽ कथा अछि, की अछि, कथा। क्वेश्चन नंबर सात अछि, ध्यान भाई जे कविता में से मनुखक जीवन में से उठा कर लेल गेल अछि, मरबे जखन लक्षित छैक जीवनक अंतिम लखन तखन किएक जे जीवित अछि, मारी के मनुखक पाती अछि तऽ मनुखक जीवन तऽ की बजतै अहाँके भी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर आठ अछि, भीमनाथ झा के कीर्ति विविधा के विद्या अछि तऽ काव्य अछि, कथी अछि, काव्य अछि। क्वेश्चन नंबर नौ अछि, सामंजस्यक शब्दार्थ होइत अछि तऽ एहिमे सँ सब भऽ जेतै, की भेतै, औचित्य भेतै, अनुकूलता, उपयोगिता, सब भऽ जेतै की। क्वेश्चन नंबर दस अछि, प्रखर शब्दक अर्थ होइ छै, प्रखर शब्द के अर्थ की होइ छै, प्रखर के होइ छै तेज, होइ छै की, होइ छै तेज। क्वेश्चन नंबर ग्यारह अछि, घाव पर नून छिटब के अर्थ होइ छै, यानी कि कहै छै घाव पर नून छिटब यानी कि पीड़ा आओर बढ़ा, यानी पीड़ा तऽ छिटी छै आओर ओहि पीड़ा के आओर बेसी बढ़ा दियौ। क्वेश्चन नंबर बारह अछि, जी जाति के रहब मुहावरा के अर्थ अछि तऽ स्थिर भऽ कऽ रहब, स्थिर भऽ कऽ रहब। क्वेश्चन नंबर तेरह अछि, अघायल बगुला के की हेतै, पोथी पीत, ये हेतै खालिस्तान में अघायल बगुला के पोथी, पोथी पोटी पीत, यानी कि तेरह के भजत अहाँके ए भेल। क्वेश्चन नंबर चौदह अछि, इसखिक व्यक्ति एत रिक्त स्थान में की होत, देन इसखिक व्यक्ति ई देखियौ, एक जे भजत अहाँके मासी माघ मास है, माँ यानी कि इसकी मुक्ति मास माघ है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह अछि, नरेश के संधि विच्छेद होइ छै तो नरेश के संधि विच्छेद अहाँके भऽ जेतै नर प्लस ईस, यानी कि डी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर सोलह अछि, महेश्वरक के संधि विच्छेद होयत तो महाजोर ऐश्वर्य, यानी कि बी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर सत्रह अछि, मत प्लस एक संधि होइत अछि तऽ मत्य एक, यानी कि ए भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर अठारह अछि, यद्यपि के संधि विच्छेद होइत अछि तऽ यद्यपि के की हेतै, यदि प्लस अपि, यानी कि सी भऽ जायत अहाँके। क्वेश्चन नंबर उन्नैस अछि, जकरे धन तकरे मान में, जकरे आ तकरे में सर्वनाम अछि तऽ संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर बीस अछि, क्रिया विशेषणक अवयव होइत अछि तऽ कते, तऽ चारि गो होइ छै, चारि गो। क्वेश्चन नंबर इक्कीस अछि, त्रिकुशा कीर्ति अछि तऽ त्रिकुशा जे छै अहाँके काशिकांत मिश्र मधुब के छियै। क्वेश्चन नंबर बाईस अछि, पराशर रचना अछि, यानी पराशर के लिखने छै तऽ काँचीनाथ झा किरण लिखने छथि। क्वेश्चन नंबर तेईस अछि, दिशांतर कीर्ति छनि, दिशांतर छै अहाँके मायानंद मिश्र के कीर्ति अछि। क्वेश्चन नंबर चौबीस अछि, रागनी के पति के कार्य, यानी रागनी के पति छनि कतक कार्यरत छलै तऽ पटना सचिवालय में कार्यरत छलै रहै, तो चौबीस की बजतै, बी बजतै। क्वेश्चन नंबर पच्चीस अछि, पाठ्यांश अनुसार मैथिली नचारीक परम्परा आरम्भ भेल तऽ, या मैथिली नचारी के आरम्भ भेलै कहिया तऽ विद्यापति के काल से। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद आबे तो वीडियो के लाइक करू, और चैनल पर पहली बार जुड़ू चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलू। ठीक छै, कियाकि अहाँ सबके तैयारी इएह प्रकार से होइत रहत, मेघ बेसी यानी कि मेघ बेसी काज करैत रहै छै, यानी मेघ बेसी काल गर्जित रहै छै कोन ऋतु में, मेघ जे छै कि बेसी ढनढनाइत कोन ऋतु रहै छै, यौ तऽ वर्षा ऋतु में ढनढनाइ छै बेसी। क्वेश्चन नंबर सत्ताईस अछि, डॉक्टर रमन के भारत रत्न अलंकृत कयल गेल, यानी कि भारत रत्न उपाधि हिनका कहिया भेटल,
तो 1954 में आए। देखियो अहाँ सब हमरा कमेंट जरूर करब जे अहाँ सब एग्जाम केना गेल, अहाँ सबके लेल हम एतेक मेहनत केलहुँ, अगर अहाँ सबके ऐसे संतुष्ट छी तऽ जरूर कमेंट करब, ठीक छै। कियाकि अहाँके पूराके पूरा हम मैथिलीके समाप्त केलहुँ। अगर अहाँ सबके तैयारी केहन लागल, हमरा जे हम कोशिश केलहुँ अहाँ सबके तैयारी करबाबैके, अगर थोड़ा भी पसंद आयल तऽ हमरा जरूर बतायब जे हाँ, ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 28 अछि, ज्योतिषरक प्रसिद्ध कृति अछि, तो ज्योतिषरक प्रसिद्ध कृति की छै? वर्ण रत्नाकर, तऽ डी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 29 अछि, सुरेखा आ मिसेज मल्लिक पात्र छथि, तऽ तुटत किलक जात के पात्र छथि। क्वेश्चन नंबर 30 अछि, ओवरलोड की रचना अछि, तऽ ओवरलोड जे छै अहाँके केकर छै रचना? तऽ ललित के रचना छै। क्वेश्चन नंबर 31 अछि, गिरीश के संधि विच्छेद होइ छै, तऽ गिरी प्लस ईश, यानी कि बी भऽ जेतै उत्तर 31 के। 32 नंबर क्वेश्चन, लघुर्म के संधि विच्छेद होइत अछि, लघु प्लस उर्मी, बी भऽ जेतै, यानी 32 के। क्वेश्चन नंबर 33 अछि, भानु प्लस उदय के संधि विच्छेद होइ छै, तऽ भानु उदय, यानी कि सी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर अहाँके 34 अछि, जान भाई भूधर्व के संधि विच्छेद की होइ छै, तऽ भू प्लस उधर्व, यानी कि सी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 35 अछि, जे क्रिया कोनो दोसर शब्दक योग सँ बनल अछि ओकरा की कहबै? तऽ अहाँके की कहबै? यौगिक कहबै। क्वेश्चन नंबर 36 अछि, संज्ञा के बदला आयल शब्द के कहल जाइत अछि, तऽ सर्वनाम कहल जाइ छै, कथी? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 37 अछि, स्थूल के विपरीत शब्द होइ छै, स्थूल के की होइ छै विपरीत? तऽ सूक्ष्म होइ छै, की हेतै? 37 के ई हेतै सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 38 अछि, दुरात्मा के विलोम शब्द होइ छै, तऽ दुरात्मा के आत्मा। क्वेश्चन नंबर 39 अछि, दुख के समानार्थक शब्द होइ छै, दुख के उत्पीड़नो हेतै, कलेशो भऽ जेतै, कष्टो भऽ जेतै, लगा अहाँके मारने जे डी ओकरा भऽ जेतै, सही डी हेतै अहाँके 39 के। क्वेश्चन नंबर 40 अछि, अनुकंपा के अर्थ होइ छै, तऽ अनुकंपा के अर्थ होइ छै अनुग्रह, की होइ छै? अनुग्रह। क्वेश्चन नंबर 41 अछि, पंडित गोविंद झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि, यानी कि पंडित गोविंद झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन पोथी पर भेटल छल? तऽ सामक पोथी पर। क्वेश्चन नंबर 42 अछि, रुक्मणी हरण रचना अछि, तऽ गोविंद दास, किनक? गोविंद झा के। क्वेश्चन नंबर 43 अछि, पृथ्वी पुत्र कृति अछि, तऽ पृथ्वी पुत्र जे छै अहाँके ललित रचना छै, ककर? ललित के। क्वेश्चन नंबर 44 अछि, ललिता कृति प्रतिनिधि विद्या अछि, तऽ अहाँके कथा अछि, कथी? कथा। क्वेश्चन 45 अछि, सोमदेवक कृति अछि, सोमदेवक कृति अछि अहाँके उठा कृषक, कथी? उठा कृषक। क्वेश्चन नंबर 46 अछि, सोमदेवक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि, यानी कि सोमदेव के साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन पोथी पर हुनका भेटलनि, यानी कोन कृति पर? तऽ सहस्त्रमुखी चौक पर, तऽ 46 के भऽ जेतै ए भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 47 अछि, उपेन्द्र ठाकुर मोहन के कृति अछि, तऽ उपेन्द्र ठाकुर मोहन कृति छै अखन हम संस्कृति भारतवर्षक। क्वेश्चन 48 अछि, तुरंग शब्द के शब्दार्थ होइ छै, तऽ घोड़ा, की होइ छै? घोड़ा। क्वेश्चन 49 अछि, प्रभास कुमार चौधरी के साहित्यकार पुरस्कार भेटलनि, तऽ प्रभासक कथा पर, कथी पर भेटलै हिनका? प्रभासक कथा पर। क्वेश्चन 50 अछि, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म स्थान अछि, तऽ पिंडारुक छै, कतऽ? पिंडारुक छै। क्वेश्चन नंबर 51 अछि, ज्योतिषक कृति अछि, तऽ ज्योतिषक कृति जानते छी ऋतुवर्ण हिनकर कृति छै, ऋतुवर्ण। क्वेश्चन 52 अछि, समृद्धि शब्दार्थ अछि, तऽ यानी कि समृद्धि के शब्दार्थ की हेतै अहाँके? बहुमूल्य, उन्नति भी, अवधि भी, यानी कि एहिमे सँ सब भऽ जाएत अहाँके। क्वेश्चन नंबर 53 अछि, कोकिलाकक कलरव विशेषता अछि, तऽ वसंत ऋतु के। कोकिलाक कलरव विशेषता अछि, तऽ वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 54 अछि, मेघ गर्जनक आकाशक मेचकता जे छै कनि पाँति कतऽसँ लेल गेल छै? वर्ष, यानी कि वर्षा वर्णासँ। क्वेश्चन 55 अछि, जानबै तऽ यानी कि एक भऽ 54 के ए भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 55 अछि, परमेश्वर झा के उपाधि भेटल, यानी कि परमेश्वर झा के अहाँके व्याकरण केसरी उपाधि भेटलै रहै महामहोपाधेशक, यानी कि महा, यानी कि तीनों भेटलै रहै, एक लग अहाँके 55 की भेटतै? डी भऽ जेतै, यानी कि व्याकरण केसरी, महोपदेशक, महाउपाध्यायक, एहिमे से सब भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर अहाँके 56 अछि, दोहित्र के शब्दार्थ अछि, दोहित्र के होइ छै शब्दार्थ, यानी कि नाती, नाती होइ छै, 56 के भेटतै ए। 57 अछि, गंगानाथ झा के नाइट हुड उपाधि भेटलनि, तऽ कहिया भेलै? 1941 में हिनका नाइट हुड उपाधि भेटै रहै। क्वेश्चन 58 अछि, कुमार गणन सिंह के जन्म भेलनि, तो 1898 में कुमार गणन सिंह के जन्म भेलनि। क्वेश्चन 59 अछि, चंद्रशेखर झाक रचना पात्र अछि, तो कौन के? तो रूना के पास छै चंद्रशेखर झा। क्वेश्चन नंबर 60 अछि, ओच शब्दक अर्थ होइत अछि, ओच के मतलब तुच्छो हेतै, छोटो हेतै, नीचो, यानी कि एहिमे सब भऽ जायत, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 61 अछि, सज्जा के शब्दार्थ होइ छै, सज्जा के की होइ छै? तऽ सजावट होइ छै, तऽ 61 की भऽ जेतै अहाँके डी। क्वेश्चन नंबर 62 अछि, कारी के समानार्थक होइ छै, तऽ कारी की हेतै? कृष्ण भऽ जेतै, ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 63 अछि, शीतलक अर्थ होइ छै, शीतलक अर्थ की होइ छै? शीतलक मतलब कि ठंडा। क्वेश्चन नंबर 64 अछि, सूत के समानार्थ होइ छै, तऽ सूत, यानी कि
सोमनाथ होइ छै ताग होइ छै तागा या चाहे ताग। क्वेश्चन 65 रहै छै सज्जन के परिवार शब्द रहै छै सज्जन के यानी कि जे बजतै धन भाई साधु पुअन यानी कि भद्र यानी सभी बजतै। क्वेश्चन नंबर 66 रहै छै दामिनी के परिवार शब्द रहै छै दामिनी के बजतै बिजली कहते बिजली। क्वेश्चन नंबर 67 रहै छै मधुर के परिवार शब्द रहै छै तऽ मधुर के भौरा तो बजतै भौरा। क्वेश्चन 68 रहै छै शेखर के परिवार शब्द रहै छै शेखर के तऽ की बजतै परिवाची मस्तक। क्वेश्चन 69 रहै छै वर्षा के परिवार शब्द रहै छै तऽ वर्षा के की बजतै दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 70 रहै छै नाद के परिवाची शब्द रहै छै तऽ नाद के की बजतै परिवाची ध्वनि भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 71 रहै छै सुंदर के परिवार शब्द रहै छै तऽ सुंदर के की बजतै अहाँके इनमें सभी कमनीय रम्य मनोहर यानी कि डी बजतै ठीक छै। 72 नंबर क्वेश्चन सूर्य के परिवाची शब्द रहै छै तऽ दिवाकर की बजतै सूर्य के दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 73 रहै छै अनकर के विपराध शब्द होइ छै तऽ अनकर के अपन हेतै ने उल्टा की हेतै अपन। क्वेश्चन नंबर 74 रहै छै अलभ्य के विलोम शब्द होइ छै तऽ अलभ के लभ्य भऽ जेतै यानी कि 74 के भऽ जेतै सी। आइ देखब बढ़िआँसँ अहाँके पूरा के पूरा जे छै क्वेश्चन हम कोशिश कयलहुँ हँ जे 100% सही के सही ठीक छै। तऽ अहाँ सबके वीडियो पसंद भेल तऽ वीडियो के लाइक जरूर करब लाइक करू जरूर और चैनल पर पहिले जुड़ रहल छी चैनल सब्सक्राइब करू क्योंकि अहाँ के एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से हमर मोटिवेटर यानी कि मोटिवेशन मिलै छै जे अहाँ सबके और कुछ नया कुछ प्रोवाइड कराऊँ ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 76 अछि ऋतुज के विलोम शब्द अछि तऽ वक्र भऽ जायत की भऽ जायत अहाँके वक्र। क्वेश्चन नंबर 77 अछि कनपट्टी के समानार्थक होइ छै कनपट्टी के तऽ छल्ली हेतै किए तऽ कनपट्टी के छल्ली। क्वेश्चन 78 अछि प्रतिघात के विलोम शब्द होइत अछि प्रतिघात के घात प्रतिघात की हेतै घात। तो क्वेश्चन 79 अछि जवान के अर्थ होइत अछि जवान की भऽ जेतै अर्थ युवा हेतै युवा। क्वेश्चन 80 अछि मद के समानार्थक शब्द अछि तऽ मद की हेतै शराब दारू 80 के ए भऽ जेतै शराब। क्वेश्चन 81 अछि प्रबोध नारायण सिंह के कृति वैजयंती के विद्या अछि तऽ कविता अछि की अछि तऽ कविता। क्वेश्चन नंबर 82 अछि प्रबोध नारायण सिंहक पैतृक गाम छनि तऽ सहरसा यानी कि पैतृक गाम कतौ छलै हिनकर तऽ सहरसा जिला मे। क्वेश्चन 83 अछि छाया सोहनगर लागै छै तऽ छाया जे छै अहाँके गर्मीये के यानी कि ग्रीष्म ऋतु मे सोहनगर लागै छै तऽ डी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 84 अछि रूना के रचना अछि तऽ रूना के रचना छै तऽ अहाँके की छै केकर छै रचना रूना तऽ मनमोहन झा के रूना केकर रचना छी तऽ मनमोहन झा के। क्वेश्चन 50 अछि हाथी के दाँतक एकांकी मे हरिया छै तऽ हरिया के छै एगो डकैत। क्वेश्चन नंबर 86 अछि सुमित्रा पात्र अछि सुमित्रा छै ने हाथी दाँत के पात्र छियै कथी के हाथी दाँत के। 87 नंबर क्वेश्चन दुर्गानाथ झा सदृश रचना अछि तऽ दुर्गानाथ झा सदृश रचना छै मैथिली साहित्य मे नजारी कथी मैथिली साहित्य मे नजारी। क्वेश्चन नंबर 88 अछि राजकुमार चौधरी के जन्मस्थान अछि तऽ महिषी सहरसा मे हिनका जन्म भेल छलै यानी कि राजकुमार चौधरी के महिषी सहरसा। क्वेश्चन नंबर 89 अछि कृति राजकमलक विद्या अछि कृति राजकमलक विद्या अछि तऽ ई की छियै कृति जे छै राजकमलक विद्या कथा छियै की छियै कथा। क्वेश्चन 90 अछि राजकमल चौधरी के मूल नाम छनि यानी कि छनि तऽ राजकमल चौधरी के मूल नाम अछि मनिन्द्र नारायण चौधरी कथी मनिन्द्र नारायण चौधरी। अहाँ सबके एग्जाम केना गेल और कते सही भेल हमरा प्लीज बताओ तब बुझे हम डिटेल सब देखलक हन कते संतुष्ट भेलै हन सबसे जरूर बताएब जे अहाँ सब एग्जाम बढ़िया गेल कि नहीं गेल सब जरूर बताओ कमेंट करू। बस इएह एक आशा अछि क्या देखियो अहाँ सबके शुरू से तैयारी करबेलू हन बस कमेंट करू और हमरा बताबू जे अहाँ सबके एग्जाम केना गेल एक हम अहाँ सबके एक एक बच्चा के कमेंट के हम इंतजार कऽ रहल छी आ सबके रिप्लाई देब ठीक छै सबके यानी कि जते सब अहाँ सब जे भी करबै कमेंट सबके रिप्लाई करब हम। कांतिक शब्दार्थ होइ छै तऽ कांतिक शब्दार्थ होइ छै चमको शोभा कोमल डी भऽ जायत। 92 नंबर क्वेश्चन श्रृंगार भजनावली रचना अछि तऽ गोविंद दास के रचना छै किनक गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 93 अछि पिकेटली कतऽ अछि तऽ पिकेटली छै ने तऽ लंदन मे छै कतऽ छै लंदन मे। क्वेश्चन नंबर 94 अछि पाठ्य पुस्तक अनुसार लंदन इरोजक सादृश्य भारतक मूर्ति सँ कयल गेल अछि तऽ फ्लोरा फाउंटन के कतऽ केकरा फ्लोरा फाउंटन के। क्वेश्चन नंबर 95 अछि रुधिर शब्द के अर्थ होइ छै तऽ रुधिर के होइ छै अहाँके सौनित। क्वेश्चन नंबर 96 अछि गौरीकांत चौधरीकांत के कीर्ति पानक पात के विद्यार्थी तऽ कथा थी कथी छियै कथा छियै। क्वेश्चन नंबर 97 अछि असाध कीर्ति अछि तऽ असाध कीर्ति किनक छै तऽ भुवनेश्वर सिंह भुवन के किनक भुवनेश्वर सिंह भुवन के। क्वेश्चन नंबर 98 अछि कमलनाथ के शब्दार्थ होइ छै तऽ कमलनाथ भगवान विष्णु कहल जाइ छै मुदा तऽ विष्णु तऽ अवसरमे नहि छै तऽ अहाँ डी मारि सकै छी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 99 अछि मनोरथ के रचना छै यानी कि मनोरथ रचना छै तऽ किनकर रचना छै मनोरथ यौ तऽ भाग्य नारायण सिंह के रचना छै। क्वेश्चन नंबर 100 अछि वैभव शब्दक अर्थ होइत अछि तऽ वैभव शब्द के की हेतै धन सम्पत्ति ऐश्वर्य महत्व यानी कि सब भऽ जेतै
एहि के लगे सौ के अहाँ के डी बद इनमें से सभी एहिमे से सब। एहि प्रकार से अहाँ सबके एक से क्वेश्चन पूरा हम करवा देलो। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद भेल प्लीज अहाँ सब लाइक करू। देखियो आ बीच में अहाँ सबके तैयारी कराबे के बीच में बहुत भ सकै छै हमरा के मुँह से कोनो प्रकार के त्रुटि निकलत हैत, एहिके लेल हम क्षमा प्रार्थी छी। क्या कि बोलत बोलत कुछ जे शब्द होइ छै मिस्टेक से अशुद्ध निकल जाइ छै, क्या कि एहिके लेल अहाँ सब इहो के लेल कहै छी क्षमा, यानी कि क्षमा प्रार्थी छी। और अहाँ सब एनाहिते मेहनत करैत रहू और आगे बढ़ैत रहू। धन्यवाद।